आज बच्चे उनके ही उम्र का बच्ची के साथ अत्याचार करके कत्ल करते और कल उनके घर के अंदर ही युद्ध करते। अगर भगवत गीता पढ़े तो टीचर रेप करते हैं, फादर रेप करते हैं, ऑफिसर रेप करते हैं, जज रेप करते हैं, डॉक्टर रेप करते हैं, कौन नहीं है इसमें? मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाज करती है स्वच्छ भारत अभियान चलाने की। कहाँ है वो शौचालय, कौन उसका उपयोग कर रहे हैं? हमारे बच्ची का अत्याचार और कत्ल किसके लिए हुआ? क्योंकि औरत को आज तक हमारे जो धार्मिक दायरे है ना, जो रिलीजियस दायरे है ना, उसको नीचे दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फेलर है, इसीलिए ये वाकया पेश आया है। अगर उनके घर में एक शौचालय रहता तो कत्ल नहीं होता था, अत्याचार नहीं होता था। जेंडर सेंट्रलाइज होना चाहिए, लिंग संवेदनाशीलता समाज में कायम करने की कोशिश सरकार करना। तो माई जी, ताकत है, दम है, तो हमारे बच्ची का कत्ल, हमारे बच्ची के ऊपर अत्याचार क्यों हुआ है? This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. ಕಲಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಸಿಗಲೇ ಬೇಕು, ಸಿಗಲೇ ಬೇಕು, ಸಿಗಲೇ ಬೇಕು. ಉಲ್ಲಹಿ ಚಿಂಗಾರಿ ಹೈ, ಹಮಾರತಿ ನಾರಿ ಹೈ. ಹಮಸೆ ಜೋ ಟಕರಾಯೇಗಾ, ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೇಪಿಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ. देखिए, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं कि आणंद में एक छोटी बच्ची के साथ अत्याचार हुआ है और उनका कत्ल भी कर दिया है. 14 साल की बच्ची और जो जिनको पकड़े हैं वो भी छोटा है. इसका मतलब क्या है? ये डबल इंजन सरकार बैठा है ऊपर. हम कितना बार उनको कहा है, हमारे बच्चों का मन के अंदर एक वैज्ञानिक भावना पैदा करो, महिला के बारे में गौरव करने का ये भावना पैदा करो. अगर आप लोग संविधान का बात नहीं करते, मनुस्मृति का बात करते, तो मनुस्मृति का विचार समाज में फैलाते हैं तो आदमियों के दिमाग में महिला के बारे में कि ये महिला कनिष्ठ है, ये महिला को हम यूज करके फेंकना, ये सभी का दिमाग में आ जाता है. ये लोग तो ये जो भगवत गीता पढ़ाने चाह रहे हैं बच्चों को, अगर भगवत गीता पढ़ाए तो आज बच्चे उनके ही उम्र का बच्ची के साथ अत्याचार करके कत्ल करते और कल उनके घर के अंदर युद्ध करते. अगर भगवत गीता पढ़े तो क्या बम्बई सरकार इधर बैठे हैं कि इस ऐसा अत्याचार रोकने के लिए, ऐसा कत्ल रोकने के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है? पकड़े हैं, ठीक है, पकड़ो, कड़ी से कड़ी सजा करो. मगर हम प्रश्न करते हैं, इतना शौचालय बना है, SBM आपका जो मशीन है, स्वच्छ भारत मशीन, कितना पैसा खर्चा करे है कि वहाँ पैसा कहाँ गया है? कहाँ है वो शौचालय, कौन उसका उपयोग कर रहे हैं? हमारे बच्ची का अत्याचार और कत्ल किसके लिए हुआ? अगर उनके घर में एक शौचालय रहता तो कत्ल नहीं होता था, अत्याचार नहीं होता था. तो कहाँ है आपका शौचालय, उसका हम इंक्वायरी करना चाहते हैं. अगर ताकत है, दम है, तो बम्माई जी आप बहुत समय बोले हैं, अगर ताकत है, दम है बोलते, हम भी पूछते हैं, अगर बम्माई जी ताकत है, दम है, तो हमारे बच्ची का कत्ल, हमारे बच्ची के ऊपर अत्याचार क्यों हुआ है? इसका इंक्वायरी करो और वो जो करे हैं उनको आप सजा दे दो. इसके साथ साथ जो SBM के बारे में आप इतना बहुत बड़ा शौचालय बनाए हैं, पैसा कहाँ गया है? अगर सभी के घर में नहीं है शौचालय तो इसका जिम्मेदार कौन होते हैं? अत्याचार होता है शौच के लिए, शौचालय के लिए. हमारे लड़कियां और हमारे महिला जब भी बाहर जाते हैं ओपन शौचालय में, वहां अत्याचार होता है 40%. आपको मालूम है, अगर अत्याचार को रोकना है आप सच्चे सच्चे शौचालय बनाओ हर घर में, हर गांव में, पूरा भारत देश में. मगर SBM के नाम पे आओ आप पैसा खाए हैं, 40% से ज़्यादा पैसा खाए हैं, उसका दुष्परिणाम हमारे बच्चे के ऊपर, महिला के ऊपर हो रही है. इसीलिए आज हम पूरा इतना संगठन से लेकर हम आग्रह कर रहे हैं, बम्माई जी इस कर्नाटक में संविधान का लागू करो, आपके मनुस्मृति का नहीं. और आप हमारे कर्नाटक में जो अत्याचार कत्ल हो रही है इसका इंक्वायरी करो और जो करे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे दो. और जो वर्मा कमीशन का रिकमेंडेशन है वो आप लागू करो. हम ये आग्रह करके आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आज इधर हम
कॉलेज के छात्र है, महिला संगठन के लीडर्स है, बहुत सारे गुलबर्गा के तमाम महिला लोग है इधर इकट्ठे हो गए हैं। मसला ये है, हम जैसे सुनाई देते थे हमको, जैसे नॉर्थ इंडिया में ऐसा छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अन्याय होता है, रेप होता है, लेकिन आज हमारे पास, हमारे गांव के नज़दीक, हमारे आलंद के एक छोटे गांव में एक स्कूल को जाते हुए 9th क्लास की बच्ची के ऊपर जो दर्दनाक अत्याचार हुआ, अत्याचार इतना ही नहीं है, उसको मार डाल दिया, ये सरासर बिल्कुल इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए और औरत कौम के लिए खतरा है। हम गवर्नमेंट को ये डिमांड कर रहे हैं, पहले ये डिमांड है हमारा, जो इसका इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से सीधे मायने से चले जाए, इसको जात पात की कलर मत दे और कोई पार्टी का कलर भी मत देना, ये महिला की इश्यू है, महिला की इश्यू जैसे इसको इन्वेस्टिगेशन करना, जो लोग इसमें शामिल है और इसके पीछे उकसाने वाले जो लोग है इन लोगों को भी पकड़ना और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। पकड़े हैं तो हम ये डिमांड कर रहे हैं, पकड़े हैं उसको सजा होने की डिमांड कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं कुछ लू होल्स निकाल के, लू पॉइंट्स निकाल के छोड़ने की साजिश करते, कोशिश करते, आपको भी मालूम है, इसलिए हम आग्रह करते हैं ऐसे केस में, ऐसे इसमें, जैसे कि आपको भी मालूम है बिल्किस बानो की केस में सन्नड़ते बोल के, अच्छे बर्ताव बोल के छोड़ दिया, अरे कोई रेपिस्ट को, वो अत्याचारी को अच्छे बर्ताव की कोई उम्मीद कर सकता है क्या? ये कितना गलती है औरत कौम के लिए, औरत महिलाओं की पूरे इसके लिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि आग्रह कर रहे हैं इसको सही मायने से इन्वेस्टिगेशन करना और जिसमें शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये भी नाबालिग है जो अत्याचार हो गए, वो भी नाबालिग थी, जो अत्याचार करने बच्चे है वो भी नाबालिग थी, वो बच्चों को पूछे तो बच्चे ऐसा मीडिया में आया है वीडियो देखे, वीडियो में जो सेक्स ऐप आते हैं उसको देख देख के उसको दिमाग खराब हो गए। अरे वो वीडियो छुड़ाने वाले तो छुट जाता, वीडियो क्रिएट करने वाले तो छूट जाता, वो अपराधी ठहरा ही नहीं सकते हम, तो इसलिए ऐसा वीडियो बनाने वालों को क्यों नहीं पकड़ते सरकार, और ऐसे ऐप के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं डालते? आज हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरा आईटी सेल इतना बूम मचाया है देश में, आईटी सेल के जरिए से झूठ बोल बोल के इस देश तो कौमवादी का अड्डा बना दिया है, कौमवादी का अड्डा बना, ऐसा कर सकते हैं तो सरकार ये भी कर सकते हैं ना, ऐसे जो दरिंदे वीडियो है, ऐसे जो खतरनाक वीडियो है, जो बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव बुरी बुर्ताव डालने वाले जो वीडियो है उसके ऊपर निगरानी डालना, उसको स्टॉप करना। हम ये नहीं बोल रहे कि मोबाइल स्टॉप करो, ये नहीं हो सकता, आज के ये है इम्पोर्टेंस ये है, तो आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ कर रहे हैं ना उसको स्टॉप करो, उसके ऊपर निगरानी रखो। और हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं महिला संगठन वाले, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन पिछले 10-15 साल से बोल रहे हैं, हम जो रेपिस्ट को शिक्षा है, रेपिस्ट को जो ये है वो इसके जानकारी हर गाँव के, हर पंचायत के, हर दीवार के ऊपर उसका एक पर्चा निकालो, वो हर दीवार पर उसको राइटिंग करो, अवेयरनेस दो, बोलो ऐसे कि खेड़े गांव में ऐसे हरकत करने की सजा क्या है, उसके लिए कौन कौन भुगतना पड़ता है, कैसे भुगतना पड़ता है, इसकी जो अवेयरनेस नहीं है वो अवेयरनेस लाना है। और औरतें के ऊपर, बच्चियों के ऊपर बार बार क्यों होते हैं? औरत की देखने की जो नज़रिया है वो नज़रिया को बदलना चाहिए, हमको जेंडर सेंसिटाइज करना चाहिए। टीचरों के आपको देखे हुए, टीचर रेप करते हैं, फादर रेप करते हैं, ऑफिसर रेप करते हैं, जज रेप करते हैं, डॉक्टर रेप करते हैं, कौन नहीं है इसमें, कहाँ नहीं होते रेप? खेड़े गांव में, बाहर, अंदर, सभी जगह, सभी एज ग्रुप के महिला के ऊपर, सभी मुकाम पर होते हैं, क्योंकि औरत को आज तक हमारे जो धार्मिक दायरे है ना, जो रिलीजियस दायरे है ना, उसको नीचे दिखाते हैं, उसको कमी दिखाते हैं, इस नज़रिया को, इस सोच को बदलना चाहिए, ताकि हर इलाके जो है ना जेंडर सेंसिटाइज होना चाहिए, लिंग संवेदनाशीलता
समाज में कायम करने की कोशिश सरकार करना, सरकार को ऐसा लगना ये मेन मुद्दा है। सरकार गंभीरता से कभी नहीं लेते, जैसे हम आवाज़ करते दो शब्द बोलते और चले जाते, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अब तो चुप बैठने वाले नहीं हैं हम, अब तो लोग उठते हैं चुप बैठने वाले। अगर आपको इस देश में महिला की स्थितिगति में सुधार लाना है तो पूरे हिंदुस्तान को जेंडर सेंसिटाइजेशन करना चाहिए, ये हमारा आग्रह है। आज महिला संगठनों की जानिब से दिमापुरी सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक एक प्रोटेस्ट किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अलंद में एक बच्ची जो माइनर लड़की है उसे रेप कर उसका बुरी तरह से कत्ल किया गया था। आप एक हादसा ख़त्म होने को ही रहता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है। परसों ही यूपी में कनौज गांव में एक लड़की को बेरहमी के साथ रेप करके उसे बाहर फेंक दिया गया था। वो लड़की मदद की भीख मांग रही थी पुलिस वालों से, फिर भी उसके बावजूद वहाँ के लोग बच्ची को हेल्प करने की जगह उसका वीडियो बना रहे थे। ऐसा माशरा हमारे देश में हो चुका है, तो किस तरह से हम लोगों पर विश्वास करेंगे? आज इंसानियत की जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो चुकी है। जो जिस तरह अलंद तालुका में घटना हुई है उसके लिए बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। इस तरह की घटना को रोकने के लिए हमारी सरकार हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। हम यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है, पब्लिक प्लेस पे सेफ नहीं है, वुमेंस वर्किंग प्लेस पे सेफ नहीं है, घर में सेफ नहीं है, हर जगह से हमारे पर सेक्सुअल हरासमेंट की एक धमकी दी जाती है। वो अच्छे ग्रेड के लिए, प्रमोशन के लिए, कुछ काम के लिए वुमेंस को इस्तेमाल किया जाता है। जो अलंद तालुका में जो घटना हुई है उसकी तो एक हद ही है। मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाज करती है स्वच्छ भारत अभियान चलाने की। कई सारे विलेजेस में, देहातों में आज भी शौचालय नहीं है, जिसके कारण आज वो बच्ची शौचालय के लिए बाहर निकली थी उसी वक्त उसका रेप हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फेलर है, इसीलिए ये वाकया पेश आया है। तो मैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुतालबा करती हूँ, जिस देश में भी शौचालय की फैसिलिटीज़ नहीं है, पहले वहाँ पर जाकर जो भी वहाँ की बेसिक एमिनिटीज़ है उसको फुलफिल कीजिए। उसके बाद हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए आप हमारा जस्टिस दीजिए, क्योंकि आए दिन हादसे में इतना इजाफा हो रहा है। आज हम यान सुनते नहीं और आने वाले नेक्स्ट स्टेट में एक हादसा हो रहा है, इसकी तो हद ही पार हो चुकी है। मैं गुलबर्गा के एडमिनिस्ट्रेशन से, एसपी से मुतालबा करती हूँ, जो अक्यूज़ को आप पकड़े हैं वो अक्यूज़ एक ही नहीं है। जिस तरह से वो एक माइनर लड़की का रेप करता है वो एक ही नहीं है, शायद हो सकता है गैंग रेप भी है उसके पीछे। उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके उसे कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, ताकि गुलबर्गा में आइंदा ये हादसा ना हो। थैंक यू। राफिया शरीन खान, आर एस केंजू।